10-20 मिनट्स में ऐसे ही सोचते, इधर उधर की बातें ऐसे ही दिमाग में चलते सोचते रहती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अगेन सोमी, आप सबको मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्लॉग। सो आज मैं दिखाऊंगी कि लॉकडाउन में मेरा पूरा दिन कैसे जाता है, क्या क्या करती हूँ मैं। सो बने रहें और आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आए। और मैं ज़्यादा व्लॉगिंग करती नहीं क्योंकि आई डोंट नो मैं क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि घर पे तो वेले ही बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं और कोई ऐसा कंटेंट होता नहीं है कि कुछ इसमें ऐड ऑन हो या कुछ हो। बट स्टिल आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आए और अच्छा जाए और फिंगर क्रॉस। अभी बज रहे हैं आई थिंक अभी टाइम हो रहा है 10:30 और अभी हम जा रहे हैं बाहर से सामान लेने, थोड़ा सा ग्रॉसरी, रोज का दूध एंड ऑल सब। सो लेके आते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सो मेरा रोज का रूटीन ये रहता है, आपने लास्ट में पानी भरते हुए देखा, ये पूरी बॉटल मैं पीती हूँ। सबसे पहले उठ के मैं ये काम करती हूँ, ये मेरा सेकंड बॉटल है और इसको पूरा पीती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। सो हमने पानी पी लिया है और पानी पीने के बाद, जिस टाइम मैं पानी पी रही होती हूँ ये मैं कुछ भी अपने 10-20 मिनट्स में ऐसे ही सोचते, इधर उधर की बातें ऐसे ही दिमाग में चल के सोचते हुए पीती रहती हूँ। और पानी पीने के बाद मैं कुछ नहीं करती हूँ, फिर थोड़ी देर नेटफ्लिक्स या फ़ोन में चल करती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 11 और अब हम करेंगे, मैं सोच रही हूँ काम करूँ एक्सरसाइज करूँ, मैं बहुत ज़्यादा पजल रहती हूँ, काम ही एक्सरसाइज। यार पता है लॉकडाउन में इतना बोर हो गया ना, इतना कि जिसकी हद नहीं है, एक कुछ समझ ही नहीं आता है करे तो करे क्या। बहुत बोर हो गया ज़िंदगी यार, बहुत ज़्यादा। सॉरी इतना गंदा फेस आपको देखना पड़ रहा है। तो हम काम करते हैं अब। क्या हुआ, देखो कैमरा में, म्याऊ 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 म्याऊ। कौन है, कौन है? हेलो कर दो, हेलो हेलो, राम राम भाई, राम राम। कैमरा शायद बच्चा मिला, इसको तंग करने का मन कर रहा है। सो जो। गुड नाइट। सो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, ये मैंने लास्ट लॉकडाउन में बनाया था और आज फिर से मेरा पेंटिंग करने का मन कर रहा है। सो आई थॉट कि मैं कुछ पेंट करूँ। सो पहले मैं अपनी पुरानी पेंटिंग दिखाती हूँ, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 बनाई हैं मैंने लास्ट लॉकडाउन में। आई होप आपको अच्छे लगे, 3 ही 4 बनाई हैं। बड़ाई हो आपको अच्छे लगे। ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग है और ये मैंने सबसे पहले बनाई थी जब मैंने स्टार्ट किया था, फिर ये मेरी सेकंड है, ये थर्ड बनाई थी मैंने, और जो सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट है वो ये वाली है। ये मेरी सबसे फेवरेट पेंटिंग है और ये मुझे सबसे प्यारी पेंटिंग लगी थी अपनी, और जब मैंने बनाई तो मुझे खुद पर बिलीव नहीं हुआ था कि मैंने बनाई है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज एक और पेंटिंग बनाती हूँ, क्योंकि घर पे बैठे बैठे कुछ और तो हो नहीं रहा है और अभी कोई मेकअप वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना यार, इतनी, और मेरी ऑयली स्किन और ऊपर से मुझे इतनी स्वेटिंग होती है ना कि मैं थोड़ा सा भी फेस पे बेस या कुछ लगाती हूँ ना, वो इतना स्वेटिंग होने लग जाता है, सारा मेकअप खराब हो जाता है, सब खराब हो जाता है।
तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज हम कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। और प्रोडक्टिव में हमारे पास अभी अगर मेकअप करने का मन नहीं कर रहा है तो हम पेंटिंग करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, अभी देखते हैं। अगर स्टार्ट किए तो मैं ज़रूर ब्लॉग में डालूंगी, और नहीं करी तो फिर नहीं डलेगी। पर अगर आपको कोई भी मेरी पेंटिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं कि हाँ आपकी ये वाली पेंटिंग अच्छी है और मुझे पेंटिंग करनी चाहिए आगे की नहीं ये भी। सो बने रहेंगे यार, मतलब समझ नहीं आता है क्या करें यार व्लॉगिंग में, पूरे दिन घर में। सॉरी मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ काम जो थे, पर झाड़ू पोछा दिखाऊंगी क्या आपको? लाइक सीरियसली, मैं थोड़ा बहुत तो काम मैंने दिखाया, बट स्टिल मैंने कहा कि क्या दिखाऊं यार, लोग बोर हो जाएंगे ये करने को। बट करने को और क्या है, खाना बनाना, काम घर का, बस यही थोड़ा बहुत होता है जो होता है। उसके बाद प्रोडक्टिव में आ जाता है तो हम पेंटिंग भी इतने दिनों बाद लेके बैठे हैं, ये चारों लास्ट लॉकडाउन की पेंटिंग है। सोचो लास्ट लॉकडाउन से मैं अब जाके पेंटिंग करती नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं, घर में कुछ ना कुछ काम होते ही रहता है। अगर आप घर पे हो तो घर का कुछ ना कुछ काम निकल आता है, बट आप खुद के लिए टाइम बहुत कम निकाल पाते हो और ऐसे प्रोडक्टिव कर पाते हो। सो वही सब कुछ, खाना वाना हो गया है, दोपहर का टाइम हो रहा है, और अब हम कुछ सोच रहे हैं बनाने की, बनाए कि नहीं बनाए, बनाए कि नहीं बनाए। बस मैं सोच ही जा रही हूँ, ये नहीं बना दूँ, मेरी बहुत गंदी आदत है यार, मैं सोचती बहुत हूँ, ये नहीं कर लूँ, पर पता नहीं है तो है। अभी इस आदत का कुछ नहीं कर सकते, मुझे नींद भी आ रही है। हेलो सॉरी, आई नो मैं सो गई थी, एक्चुअली मेरे को पता नहीं चला यार मैं कब सो गई, मुझे सच्ची में नींद आ गई थी और बहुत ज़्यादा अच्छी आ गई थी। गर्मियों में इतना आलस आता है ना, इतना, ये मुझे ही आता है या आपको भी आता है, प्लीज़ मुझे बताएं। ऐसे फेस के लिए मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा। यस क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, खाना चाहिए आपको? अभी तो दिया था आपको खाना मैंने, क्या आयो? ये बहुत कैमरा शाय, ये नहीं आना चाहेगा। यस आओगे? भाग गया। सो यस, और मैं सच्ची बताऊँ, एक तो मैं सोची थी मैं कुछ करूँगी क्योंकि मैं आज ब्लॉग कर रही हूँ, बट नहीं करवाई ना, मैंने कोई मेकअप वीडियो बनाई ना, मैंने कोई ड्राइंग करी, कुछ भी नहीं किया। और मैंने ऐसा नोटिस किया मेरी आवाज़ ना इसमें कुछ बहुत ज़्यादा अजीब सी आती है, सो सॉरी उसके लिए। आप लोग भी बोल रहे हो क्या बात कर रहे हो, पता नहीं क्या बात कर रहे हो, मैं सच्ची में वही समझ आ रहा है क्या बात कर रही, नींद क्यों आ रही है आप सब मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे ही आ रही है या आपको भी आती है। अब मैं सोच रही हूँ रात के खाने के लिए क्या बनाना चाहिए, आज बहुत टाइम से मेरा मैगी खाने का मन कर रहा है, बहुत टाइम से, और अच्छी मैगी खाने का मन कर रहा है। और मैं कितने दिन से मैगी छोड़ रखी है मैंने, वैसे तो 3 दिन से मैंने खूब भर के चावल खाए हैं और खुद एक्सरसाइज कुछ नहीं किया है, और मेरा वेट भी पुट ऑन हो रहा है। सबसे पहले तो मेरा वेट फेस पर आता है, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है इस चीज़ का। बट मेरा मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है, फिर मैं सोचती हूँ मैं कल से ही सब त्याग दूँगी, मुझे मैगी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, सोचते हैं अभी, सोच रहे हैं।